राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। पूजा, काका कहाँ है? स्टडी में। क्यों? आओ तो बताता हूँ। कम काका, ये देखिए, फॉरेन से अभी अभी फैक्स आया, हमारे वहाँ के कोलैबोरेटर्स को हमारी नई स्कीम बहुत पसंद आई है। वाओ भैया, यू हैव डन इट। भाई साहब, ये स्कीम उसी फैक्ट्री की है जो आप प्रेम के लिए लगवा रहे हैं? हाँ, ये सब इसी की मेहनत का फल है भाई। वाह। पूजा, कुछ फाइनल बातचीत के लिए मुझे वहां बुलाया उन्होंने। जोशी जी, जी मेरे जाने की तैयारी कीजिए। जी ललू, सामान तैयार? हाँ बड़े भैया, बस पहुंची, कुछ खाने का सामान दे रही हैं। ओहो पूजा, इसकी क्या जरूरत है? हाँ अब तो पैक हो रहा है जीजा जी, लेके जाना पड़ेगा। और भैया, आपको ये ओवरकोट भी लेके जाना पड़ेगा। चले राजेश? काका, अब इतनी रात गए, आप एयरपोर्ट नहीं चलेंगे? क्यों नहीं चलेंगे? टफी और हमारा प्रोग्राम एक बार फिक्स हो गया, सो हो गया। अरे बेटा, हमारी थोड़ी सैर ही हो जाएगी, हम गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जी अच्छा, कम ऑन ट्रॉफी, चलता हूँ। टेक केयर। क्या बात है प्रेम? भैया, भाभी की डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती है, इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, और ऐसे मौके पर उन्हें ही अकेला छोड़कर आपको मेरी वजह से फौरन जाना पड़ रहा है। तो ये बात है, चल मेरे साथ। पूजा, देखो तुम्हारा देवर क्या कह रहा है। क्या बात है प्रेम, क्या बात है? कह रहा है कि डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती है, और ऐसे मौके पर इसकी वजह से मुझे फौरन जाना पड़ रहा है। प्रेम, काका जी के साथ साथ हम सबने एक सपना देखा है कि तुम दुनिया में खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ। इसी सपने को साकार करने तो जा रहे हैं तुम्हारे भैया। और रही मेरी बात, तो जब तुम यहां हो, क्या मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत है? देवर से बढ़कर क्या कोई दोस्त होता है भाभी के लिए? चलो भैया। निशानेबाजी के शौक के लिए किसी निर्दोष की जान लेने का आपको कोई हक नहीं, समझे? ये कबूतर मेरा है, मैंने इसे खरीदा है, इसे ट्रेन किया है। अगर मेरा भाई इसे अपना निशाना बनाना चाहे तो उसे पूरा हक है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? लाओ इसे मुझे दे दो। गिव इट टू मी। हो चुका, तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, लिसन वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल यू ब्लडी। सीमा, अपनी जबान संभालो। सीमा, माइंड योर लैंग्वेज। आओ सुमन, अब हम यहां एक पल भी नहीं ठहरेंगे। लेट्स गो। हे प्रेम, रिलैक्स, टेक इट इजी, कूल इट यार। दोस्ती में तो ये सब चलता ही रहता है। कम ऑन सीमा, सुमन से माफी मांगो। कम ऑन। आई एम सॉरी सुमन। क्या हुआ? वो अपने आप को समझती क्या है? बात करने की तमीज नहीं है। तुम्हें बुरा लगा? और नहीं तो क्या? और इस बार मत पूछना क्यों। क्यों?
जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ, बहुत भूख लगी है। अभी नहीं, खाने के बाद मुझे बताना माँ तुम्हारी तारीफ में और क्या कहती है, मैं बोर नहीं होंगी। सुमन, ये प्लेट तुम प्रेम के लिए लगा रही हो ना? जी। भूखे तो हम भी हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने इसे छूकर कोई गुनाह किया है? तुम भी तो वही चाहते हो जो मैं चाहता हूं, सच? कुछ अजीब सी कशिश है इसमें, है ना? जीवन, एक लफ्ज भी और निकालो तो क्या ये तुम्हारे काबिल नहीं रह जाएगी? बड़ी फिक्र है तुम्हें इसकी? तुम्हारी जागीर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या है? हा? दोस्त है। दोस्तों, सुना, क्या एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? ये देखो, जवान दोस्ती का एक नजारा, दोस्ती का खेला हुआ एक अच्छा नाटक, प्रेम। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो एक पर्दा है, पर्दा कप कपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का, छुपाने का। प्रेम, कमाल है सुमन, अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना काफी रंग लाया है, मुबारक हो, मुबारकबाद दो फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेट देम। Hey!
मामा जी रोकिए, नहीं नहीं। किस किस को रोकोगी सुमन, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। इस रिश्ते को और आगे मत बढ़ाओ, ये तुम्हें और प्रेम को इस बदनामी के सिवा और कुछ नहीं देगा। गेट आउट। मैं जानता हूं आनंद बाबू और संगीता के साथ जो हुआ उससे आपको बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा हमारे घर में ना हो यह सोचना भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन मां अगर हम यूं अलग हो जाएं, इस घर के तीन हिस्से हो जाएं, तो क्या हम सब खुश रह पाएंगे? जरा सोचो मां, संगीता जब राखी पर आएगी तो किस भाई के घर पहले जाएगी मां? और फिर विनोद का करियर अभी हमें बनाना है, बिजनेस के बंटवारे में कहीं उसकी मासूमियत दबके ना रह जाए। मां मेरे कारण आप सबको सजा मत दीजिए, सबको अलग मत कीजिए। मां मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। साधना और मैं रामपुर चले जाएंगे, वहां हमारा नया प्लांट बन रहा है, उसे संभालना भी तो है, हम वहीं रह लेंगे। पापा से कहूंगा कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम को बनाए। मैं विश्वास दिलाता हूं मां, मेरे जीते जी प्रेम और विनोद पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। लो मां साथ में खाना लाइए, थोड़ा सा खा लो हमारी खातिर। लो मां ये आप क्या कह रहे हैं भैया, भाभी और आप रामपुर जा रहे हैं? हां विनोद, इसमें हर्जी क्या है पापा? यहां का सारा काम प्रेम संभाल लेगा, और फिर रामपुर कौन सा दूर है, 3-4 घंटे का ही तो सफर है। ठीक है भैया, अगर आपने जाने का फैसला कर ही लिया है और अगर मम्मी भी आपके जाने से खुश हैं, तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं विनोद, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अंदर आ जाओ बाबूजी। आइए खान साहब, सारे कागजात ले आए। जी एक बार फिर सोच लीजिए बाबूजी। नहीं खान साहब, अब वक्त आ गया है बंटवारे का। बंटवारे की जरूरत नहीं पापा, साधना और मैं आज रामपुर के लिए निकल रहे हैं। तुम और साधना कहीं नहीं जाओगे विवेक। मैं मां को वचन दे चुका हूं पापा। मां हम निकल रहे हैं, विनोद साथ जाने की जिद कर रहा है, उसे समझाकर कुछ ही दिनों में वापस भेज दूंगा। एक बात और मां, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग हमसे पूछेंगे। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना मां, क्योंकि कोई मां अपने बेटे का कभी बुरा नहीं सोच सकती।
मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपका दिल दुखाया। अरे पगले, बेटे की बातों से कभी पिता का दिल दुखा? जा रहे हो, जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। विनोद, अपने भैया का हर गुण अपनाना बेटा। ऐसा भाई ऐसा बेटा किस्मत वालों को मिलता? तुम्हें मैं क्या कहूं बहू, अनवर कितनी धूमधाम से बहू को घर लाए थे, है ना? माफ करना बेटा, लेकिन देखा जाए तो संसार का नियम ही यही है, बंधन धीरे धीरे छूटते जाते हैं। जो वक्त साथ में बिता लिया बस वही अपना है। अच्छा है, अच्छा है, काम में दिल लगा रहे हो, बहुत अच्छा है। क्यों अम्मा? राव साहब जी, मैंने सारे पेपर स्टडी कर लिए, आप इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन का काम शुरू करवा दीजिए जी। विनोद आज से हमें फैक्ट्री साइट पे ज्वाइन करेगा। यस सर। वाह। ये लीजिए। भाभी अब तबीयत कैसी है? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं दादी माँ, बस कल जरा सी थकान सी लग रही थी। राव साहब, हमारे विनोद बाबू से ज्यादा मेहनत मत करवाइएगा। मेहनत तो इसे करनी पड़ेगी साधना, फैक्ट्री के उद्घाटन तक इसे प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए, ताकि ये वापस जाकर फाइनेंस और सेल्स की भी ट्रेनिंग ले सके। मैं वापस नहीं जाऊंगा भैया। भाभी और आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। वाओ, व्हाट बारिश भाभी। भाभी वे लोग आ गए। क्या हाल है विनोद बाबू, साइट पे पहला दिन कैसा था? हाँ अरे कुछ मत पूछो भाभी। थैंक यू। आज पता चला भैया कितना काम कर लेते हैं। बहुत भूख लगी है भाभी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। राइट ऑन। सपना जाओ, छोटे साहब को बुला लाओ। जी। क्या हुआ? लीजिए, ये तो सो गए। आज मेहनत जो की इसने। विनोद बाबू के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है ना? साधना, इसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट वापस लौट आई, लेकिन डरता हूं जब प्रेम आएगा तो उसे कैसे संभालूंगा। आप ये सब कुछ क्या सोच रहे हैं भाईजान? साधना जी को, उनके पापा को, आपके हाथ के बारे में सब कुछ पता है। पता होने में और जीवन भर साथ चलने में बहुत फर्क है अनवर। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी की जिंदगी से खेलें।
आपका हाथ एक दिन जरूर ठीक होगा, अल्लाह कसम। सिर्फ उम्मीद पर हम किसी की खुशियां छीन तो नहीं सकते भाईजान। मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। उन्हें खत में सब कुछ लिख दिया मैंने, आशा वे समझेंगी और रिश्ता कहीं और कर लेंगी। लो खत भेज दिया, बच्चों जैसी बातें कर रही है संगीता, समझाओ इसे। तुमने औरत को समझा नहीं भैया, वो अंधेरों से नहीं डरती। जब वो फैसला कर लेती है तो मन में विश्वास का दिया जलाकर उसे अपनी मां का सिंदूर बना लेती है। हाँ भैया, भैया आपका खत लेकर गए थे, जवाब साथ लेकर आए। हमारे प्यार के बंधन को जीजी ने इस हार से सजाया था, चाहता कि हार उनकी देवरानी पहने। इसे लौटा रही हूं निशा। निशा, क्या है निशा? देखा पूजा, ये तुम क्या करने चले थे? अगर इनका ये कदम उठ जाता तो क्या जवाब देता मैं तुम्हें? क्या बात हो गई राजेश, अचानक यहां ऊपर कैसे चले आए? ये पढ़िए काका, और बताइए कि ये कहां का न्याय है। काका, यह आपका लाडला जो हर छोटी सी छोटी बात मुझसे पूछा करता था, आज इतनी बड़ी बात अपने दिल में छुपा के, अपनी हंसी में दबा के पराया कर दिया इसने आज अपने भाई को। नहीं प्रेम, यह तुमने ठीक नहीं किया। मामी, पूजा के जाने के बाद मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, मुन्ने को कभी मां की कमी महसूस ना हो। मैं तुमसे पूछता हूं निशा, अगर तुम मुन्ने को उसकी चाची बनकर अपनाती तो क्या तुम्हारी ममता कम हो जाती? बोलो निशा, बोलो। चुप क्यों हो निशा, जवाब दो। अरे पगली, सारा जीवन सारी खुशियां त्याग करने चली थी? हाँ
राजेश बेटा, तुम इन पर नाज होना चाहिए। इन्होंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझ के किया बेटा। अब मुझे भी एक फर्ज पूरा करना है मामा जी, पूजा का अधूरा सपना। सच मानू तो गलती मेरी ही थी पूजा, मैं ही नहीं समझ पाया कि तू मुझे क्या कहना चाह रही थी जाते समय। पापा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, निशा का हाथ प्रेम को सौंपिए। कैलाशनाथ, पिछले जन्म में जरूर मैंने कुछ पुण्य किए होंगे, धन्य हो गया मैं ऐसे दामाद पाकर, धन्य हो गया।